नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार। आज हम बात करेंगे रशिया की वैक्सीन लॉन्च के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था वैक्सीन से रिलेटेड, जिसमें मैंने टॉप 10 वैक्सीन को एनलिस्ट किया था, बट उसमें तो रशिया की वैक्सीन का कोई नाम ही नहीं था। तो इतनी जल्दी क्या हुआ कि रशिया की वैक्सीन लॉन्च हो गई और यूज के लिए तैयार हो गई? हाउ कुड दे स्पीड अप द प्रोसेस सो फास्ट? सो चलिए देखते हैं, उसी चीज को आज एनालाइज करते हैं। अब देखिए, जो एनिमल ट्रायल्स तो कोई भी नहीं कर रहा है, फेयर इनफ, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा है एनिमल ट्रायल्स, बट सभी लोग फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स कर रहे हैं। और फेज 1 ट्रायल में तो दर्जन भर लोगों को देख वैक्सीन दी जाती है और देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ है या नहीं। फेज 2 ट्रायल में भी सेफ्टी ही मेन कंसर्न होती है, साथ में इफिकेसी भी देखी जाती है कि इन लोगों को वैक्सीन देने से कुछ फायदे हो रहे हैं या नहीं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो फेज 3 ट्रायल होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को वैक्सीन दी जाती है और रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल दिया किया जाता है। अब जो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, ये सबसे रोबस्ट ट्रायल होते हैं मेडिकल साइंस में, और इसमें आधे लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और आधे लोगों को प्लेसिबो दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि इन लोगों को बीमारी हो रही है या नहीं, और अगर बीमारी हो रही है तो वो कितनी सिवियरिटी में जा रही है और कितनी डेथ्स हो रही है जिस ग्रुप, दोनों ग्रुप्स को। फिर उनको कंपेयर किया जाएगा और उनको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके, एनालाइज करके डिटेल में, तब उसको वैक्सीन को पब्लिश किया जाएगा कि हाँ, ये वैक्सीन सेफ है और आम जनता के यूज के लिए वैक्सीन रिलीज हो सकती है। बट देखिए, रशिया ने फेज 3 ट्रायल स्किप कर दिए हैं, मतलब उन्होंने फेज 1 और फेज 2 ट्रायल कंबाइन किए। कुछ 34 लोगों को उन्होंने वैक्सीन दी और फिर पुतिन ने स्टेटमेंट दे दिया है कि ये वैक्सीन बहुत ही अच्छी है, सेफ्टी है इस वैक्सीन में और इसके अच्छे रिजल्ट्स, एनकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो यही मैं आपको वार्न करना चाहूंगी, इसके पहले भी फेज 2 और फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स के बावजूद, अच्छे होने के बावजूद, फेज 3 ट्रायल्स में काफी सारी वैक्सीन फ्लॉप हो चुकी हैं। सो सीधे लॉन्च कर देना वैक्सीन, आई डोंट थिंक सो इट्स अ फेयर आइडिया, बिकॉज इसमें आप इतने सारे लोगों को एक्सपोज करेंगे, वैक्सीन देंगे, तो जो उसके रेयर साइड इफेक्ट्स हैं विच कैन नॉट बी सीन इन द फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स, दे कैन अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बिकॉज अब ऑब्वियसली वैक्सीन लॉन्च होगी तो सभी को दी जाएगी, और जो बेसिकली जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं और जो बच्चे हैं, उनमें वैक्सीन कैन कॉज मच मोर साइड हार्मफुल एंड साइड इफेक्ट्स। सो आई वुड नॉट से दैट दिस इज अ वेरी वाइज डिसीजन बाय रशिया टू लॉन्च द वैक्सीन डायरेक्टली विदाउट फेज 3 ट्रायल्स, बट एनीवेज दे हैव लॉन्च्ड इट एंड दे हैव स्टार्टेड गिविंग इट। सो लेट अस सी, उसी का रिजल्ट हम देख लेते हैं कि अब वो किस प्रकार उसका इफेक्ट आ रहा है। But anyways, I will keep my eye open for Oxford vaccine, Moderna vaccine, and for Sinovac. These are the main promising vaccines which are in extended phase, late phase 3 trials. जो कि around 30,000 लोगों को, कोई 10,000 लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं और उसके इफेक्ट्स देख रहे हैं। And even our Bharat Pharma is not back. हम phase 2 trials में हैं, उसके बाद हम phase 3 trials start करेंगे। So this is the correct way, is this? And launching vaccine directly in phase 3 trials, definitely not a wise decision. So a thumbs down to this vaccine launched by Russia in the hasty decision. So till then, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, आप अपने पूरे प्रिकॉशंस ले लीजिए और स्टे सेफ एंड टेक केयर।